हाय फ्रेंड्स, आज मैं लाई हूँ मिनी मिस्ट का प्रोडक्ट 10% नियासिनामाइड प्लस 1 जी। बस तो हम कैसे यूज़ कर सकते जिससे हमें स्किन इरिटेशन ना हो, स्किन प्रॉब्लम्स ना हो, पल्चिंग की प्रॉब्लम ना हो। तो इसके लिए मैं क्या कैसे इसको यूज़ करना स्टार्ट किया वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो फर्स्ट मैंने इस प्रोडक्ट को यूज़ करने से पहले, क्योंकि उसमें 10% नियासिनामाइड है, वो काफ़ी हाई कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है, इसलिए मैंने इसको यूज़ करने से पहले मैंने निया मैक्स डी जेल यूज़ किया है। 1 मंथ ही काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है ये, तो 75 रुपये का, और उसमें 4% नियासिनामाइड है और 1% जिंक है। सो मैंने पहले इस प्रोडक्ट को 1 मंथ यूज़ किया, उसके बाद मैं इस प्रोडक्ट पे स्विच ऑन किया। तो इस प्रोडक्ट आने के लिए मैंने क्या क्यों किया ये मैं आपको बताती हूँ। ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है, स्किन इन्फ्लेमेशन पर काफ़ी अच्छा काम करता है, आपके न्यू एक्ने इरप्शन पर काम करता है, ये बहुत बड़ी बात है। और पस्टूज़ की अगर आपको प्रॉब्लम है उस पर बहुत ही अच्छा काम करेगा। मुझे समझ में पस्टूज़ की प्रॉब्लम काफ़ी रहती है, इसलिए मैंने इस प्रोडक्ट को यूज़ किया, मुझे काफ़ी अच्छा इसने काम किया। बट ये एक्ने मार्क्स पर कोई काम नहीं करता है, और आपके अगर ऑयली स्किन है तो उस पर स्किन ऑयलनेस पे कोई काम नहीं करता है। एंड सेकंड, ये स्किन की टेक्सचर को स्मूथ करता है, काफ़ी अच्छा काम करता है। बट मुझे अपनी ऑयलनेस को के लिए कोई प्रोडक्ट चाहिए, तो मैं काफ़ी समझ में काफ़ी मेरी ऑयली स्किन हो जाती है, तो मैंने इस प्रोडक्ट को यूज़ करना स्टार्ट किया। लेकिन फर्स्ट मंथ मैंने 1 मंथ यूज़ करने के बाद इसको पेस ऑन किया, क्योंकि ये 10% नियासिनामाइड आपके फेस के लिए काफ़ी हाई हो सकता है, जिससे आपको पर्जिंग की प्रॉब्लम हो सकती है और स्किन इशू हो सकता है, जो मुझे नहीं चाहिए था। इसलिए मैंने पहले लो कॉन्सेंट्रेशन से स्टार्ट किया, दैन मैंने इस प्रोडक्ट पर आई। तो अगर 3 टिप्स की बात की जाए कि इसको कैसे यूज़ करें जिससे हमें कोई ऐसी स्किन इशू या स्किन इरिटेशंस ना हो, फर्स्ट पहले आप अगर इस प्रोडक्ट को यूज़ करना चाहते हैं तो आपने इससे पहले कोई भी नियासिनामाइड का प्रोडक्ट नहीं यूज़ किया, तो आप पहले लो कॉन्सेंट्रेशन से यूज़ किए। सेकंड टिप्स ये कि आप इसको अगर दिन में यूज़ करते हो तो SPF तो ज़रूर SPF यूज़ करना ही करना है। थर्ड टिप्स की अगर बात करें, आप इस प्रोडक्ट पर ज़्यादा लेयरिंग अप मत करें कि इसके ऊपर 3-4 सीरम लगा लिए या क्रीम लगा लिए, काफ़ी लोग ऐसा करते हैं, बट ऐसा नहीं करना है। आपकी अगर आप ड्राई स्किन है तो आप इसके ऊपर मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं, पहले इसको यूज़ कर लीजिए, उसके बाद आप प्रोडक्ट को यूज़ कर लीजिए मॉइस्चराइजर को। बट इसके ऊपर आपको ज़्यादा सीरम्स और क्रीम नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये प्रोडक्ट उस परेशान रिएक्शन करके आपको उसकी इरिटेशन या कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है जो आपको नहीं चाहिए होगी। सिंपल सा और नॉर्मल सा मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं बस। अगर आप ये 3 टिप्स और इस टाइप से करेंगे तो आपको कोई भी बर्जिंग की प्रॉब्लम, स्किन इरिटेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी। सो अगर आप इस क्रीम का फुल रिव्यू देखना चाहते हैं निया मैक्स जेल का, तो ये आपको मेरे यूट्यूब चैनल में मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो जरा इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।